वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और आज हम लोग जो है वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। और इसके पहले जो हम लोग का जो टॉपिक था, इसके पहले जो टॉपिक था हम लोग उन्होंने टोकेंस इन पाइथन को क्लियर एकदम पढ़ा था, ठीक है। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है, इसका इस चैप्टर का जो सेकेंड और लार्जेस्ट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट बहुत है, दैट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि वेरिएबल्स होता क्या है। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स जो होता है एक तरह का टेम्प्रोरी लोकेशंस होता है, जहां पे हम अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम रन करता है उस समय हम अपनी वैल्यूज को जहां पे स्टोर करेंगे, दैट स्पेस या दैट लोकेशन इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल्स के बारे में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट लेबल्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यूज कैन बी मैनिपुलेटिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन इन पाइथन ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। मतलब जब प्रोग्राम रन करता है तो हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वही हमारा वेरिएबल्स होता है, ठीक। अब वेरिएबल्स के कई टाइप वेरिएबल्स जो होते हैं और जो एक तरह का टेम्प्रोरी लोकेशंस होता है, जिसको जो है एक कंटेनर होता है जो क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड करता है। और हमेशा वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। कभी भी वेरिएबल्स की वैल्यू वेरिएबल का मतलब जो हमेशा क्या करता रहे वही होता है वेरिएबल, ठीक है। इन पाइथन टू क्रिएट अ वेरिएबल जस्ट असाइन टू इट्स नेम द वैल्यू ऑफ अप्रोप्रिएट टाइप। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम स्टूडेंट टू होल्ड स्टूडेंट नेम एंड वेरिएबल एज टू होल्ड स्टूडेंट एज, यू जस्ट नीड टू राइट सम व्हाट सिमिलर टू व्हाट इज शोन बिलो। आप देख भी रहे हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू जैकब। तो अब ये जैकब सिंगल कोट्स में दिया है, एज इज इक्वल टू 16 दिया है। तो ये जो स्टूडेंट है और ये जो एज है, यही हमारा क्या चीज है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स जो होता है वो टेम्प्रोरी लोकेशंस होता है, जिसका हम यूज कब करते हैं, जब प्रोग्राम हमारा रन करता है। अब वेरिएबल्स के बारे में हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिए, यहाँ पे आप टॉपिक लिखिए वेरिएबल्स, ठीक। अब वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने देखा भी कि वेरिएबल्स आर द टेम्प्रोरी लोकेशंस हुज वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन, ठीक है। यानी ये वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स जो होते हैं, ये वेरिएबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ और भी देखते हैं। जैसे देखिए, इसके पहले आप लोगों ने पाइथन जब हम लोग ओपन करते हैं, तो पाइथन जब ओपन करते हैं तो इस तरह का दो मोड होता है पाइथन में। एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है हमारा एक इंटरेक्टिव मोड होता है और एक कमांड लाइन मोड होता है। दो तरह के मोड होते हैं, ठीक है। तो अब इंटरेक्टिव मोड में होता क्या है कि इसके एक स्क्रिप्ट मोड होता है, एक इंटरेक्टिव मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड में इस तरह का प्रॉम्प्ट आता है, इसको हम बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक। तो अब पाइथन प्रॉम्प्ट में जब हम लिखते हैं, यहाँ पे अगर हमने मान लिया लिखा है यहाँ पे कि 2+3, ठीक है। अगर हमने लिखा 2+3, तो यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या चीज आएगा, वो रिजल्ट जो आएगा वो आता है 5, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने उन्हें लिखा है कि 7+9, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7+9 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 7+9 का रिजल्ट आएगा वो भी हमारा आता है क्या चीज, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये जो मोड होता है, ये इंटरेक्टिव मोड होता है। यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में हम डायरेक्ट वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर इंटरेक्टिव मोड में हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया x=10, ठीक। तो जैसे ही x=10 लिखेंगे, होगा क्या कि मेमोरी में ऐसे एक बॉक्स बन जाता है, एक ऐसे बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स का में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दैट वैल्यू इज 10, और इस बॉक्स का जो नाम होगा, लेबलिंग जो होगा वो हो जाएगा x। यानी ये जो चीज है, ये इसको हम बोलते हैं वेरिएबल नेम। इसको जो हम बोलेंगे वो क्या चीज है, ये वेरिएबल नेम है। और यहाँ पे ये जो 10 है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और ये क्या चीज है, वैल्यू है। यानी ये वैल्यू है वेरिएबल की, ये वेरिएबल नेम x हो गया, और ये वेरिएबल नेम हो गया, और ये जो 10 है ये वेरिएबल का क्या हो गया, वैल्यू हो गया।
और हर वेरिएबल का कोई ना कोई क्या होता है, एड्रेस होता है। तो एड्रेस भी जैसे मान लीजिए एड्रेस 10006 इस तरह से, तो ये जो होता है ये वेरिएबल का होता है क्या चीज, एड्रेस होता है। ठीक है, अब ये वेरिएबल का एड्रेस का क्या मतलब है, जैसे ये एक्चुअली होता क्या है कि ये जो वैल्यूज है, ये जो वेरिएबल नेम है या वेरिएबल की जो वैल्यू है या वेरिएबल जो एड्रेस है, ये हमेशा ये तीनों मतलब होता है। तो अब जैसे मान लीजिए आपको कोई कहीं पे आप मान लीजिए रह रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर कहीं मकान अलाट होता है तो क्या होता है, आपका आपके नाम से अलाट होता है, उसमें जो नाम होगा आपका वो एक्स हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, उसमें जो वैल्यू रहते हैं मतलब जो लोग रहते हैं वो वैल्यू कौन सा रहता है, 10 रहता है, और उस मकान नंबर का कोई ना कोई क्या होता है, उस मकान उस होम का या उस घर का कोई ना कोई क्या होगा, एड्रेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, वेरिएबल एड्रेस। इसी तरह से दुनिया में जितने भी वेरिएबल्स हम बनाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में, सब वेरिएबल्स का कोई ना कोई नेम होगा, वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यूज एंड वेरिएबल एड्रेस, ये हमेशा हर वेरिएबल्स में होता है। ठीक, तो क्लियर इस चीज़ को समझ लीजिए। अब फिर से हम लोग वापस आते हैं, तो हमने लिखा है x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 में हम लोग ने देख लिया इस तरह से बॉक्स बन जाएगा, उसमें 10 वैल्यू स्टोर हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जब हम इसको जब x x इज इक्वल टू जब 10 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई रिजल्ट नहीं आता है, यहाँ पे तो देखिए जैसे 7 प्लस 9 जब हमने लिखा तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 16, और x इज इक्वल टू 10 जब लिखा तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट इसका नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहीं पे ऐसे लिख दिया एक्स प्लस 6, तो जैसे एक्स प्लस 6 जैसे ही लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 6 जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ जाता है, सोचिए क्या आ सकता है यहाँ पे, तो एक्स प्लस 6 जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा हमारा 16, ये तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, 16 आ गया। क्लियर, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए नेक्स्ट अब हम आगे लिखते हैं, अगर एक्स प्लस 16 आ गया, अगर हमने लिखा एक्स प्लस 4 तो आप बताइए क्या रिजल्ट आएगा, एक्स प्लस 4 करेंगे तो एक्स प्लस 4 जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 14 आ जाएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू 10 हो चुकी थी, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 थी, अब इस 10 में हमने 6 ऐड कर दिया तो हमारी जो वैल्यू थी ये 16 हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे तो 10 ही स्टोर रहा। इसी तरह से एक्स प्लस 4 हमने जब कर दिया तो अब एक्स की वैल्यू तो 10 थी तो 10 प्लस 4 यानी 14 हो गया। ठीक है, 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वाई, y इज इक्वल टू अगर हमने ले लिया 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 लिख दिया तो यहाँ पे कुछ कोई आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे x प्लस y, अगर हमने लिखा x प्लस y, तो अब जैसे देखिए जब जैसे ही ये y इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बन जाएगा, बन गया, और इस बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा, y, और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी दैट इज 3। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा, ये वेरिएबल का नाम हो गया, ये वेरिएबल की वैल्यू हो गई, और हर वेरिएबल का कोई ना कोई क्या होता है, एड्रेस होता है। तो एड्रेस मान लीजिए यहाँ पे, और एड्रेस कोई जरूरी है कंटिन्यूटी में हो सकता है 1, 2, 3, 7 आ जाए, इस तरह का एड्रेस आ जाए। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा, ये इसको हम बोलते हैं ये होगा वेरिएबल नेम, वैल्यू हो गया, और इसको बोलते हैं वेरिएबल एड्रेस। ठीक, तो अब वेरिएबल एड्रेस ये दिया हो गया, तो ये जो वेरिएबल एड्रेस होता है ये रैंडम होता है, ये हम नहीं डिक्लेयर करते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिक्लेयर करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिक्लेयर करता है। तो यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो गया, x प्लस क्या हो गया, y हो गया। अब x प्लस y जैसे ही लिखेंगे तो तुरंत यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी टोटल हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे तुरंत हमारा जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो तुरंत कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहीं पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो जब x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमने लिखा x इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब जैसे ही x की वैल्यू 20 लिखेंगे, यानी इसके पहले x की वैल्यू हमारे कितनी थी, 10 थी यहाँ पे,
दिख रहा होगा आपको x की वैल्यू 10 थी और यहाँ पे x की वैल्यू को हमने कितना कर दिया 20 कर दिया। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 20 लिखा तुरंत ये वैल्यू यहाँ पे कट जाएगा और इसकी जगह पे ये कट करके यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई 20 आ गया। अब अगर हम इसको ऐसे फिर प्रिंट कराएंगे, अगर हम फिर लिखते हैं एक्स प्लस सिक्स, यानी एक्स प्लस सिक्स जैसे ही लिखेंगे तो तुरंत यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 16। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने लिखा x प्लस y, तो x प्लस y यानी x की वैल्यू तो अब हमारा 20 हो चुका है, इसकी जगह पे 20 आ गया और y की वैल्यू हमारी अभी भी 3 है, तो x प्लस y यानी ये जो वैल्यूज आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी x प्लस y यानी 20 प्लस 3 यानी 23 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने मान लीजिए ऐसे इसको प्रिंट कराया, हमने x की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो ऐसे ही x लिखेंगे तो यहाँ कौन सी वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगा। अब 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 वैल्यू अपडेट हो गया है। यानी क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स हमें स्टोरिंग के लिए तो यूज़ किए जाते हैं लेकिन उसकी वैल्यूज हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को 20 प्रिंट कराया, अब अगर हमने मान लीजिए y लिख दिया तो y की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 3 प्रिंट करेगा, लेकिन अगर हमने y में मान लीजिए वैल्यू को y इज इक्वल टू 2 कर दिया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 2 किया तो क्या होगा, y जैसे ही 2 लिखेंगे तो तुरंत यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, 3 की जगह पे कट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर जब हम y को हम लिखेंगे x y को जब ऐसे प्रिंट कराएंगे लिखेंगे y, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो कितना प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसी में, अब जैसे 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि अगर हमने कोई ऐसा डिक्लेयर कर दिया, हमने डिक्लेयर किया एक्स वाई जेड, तो यहाँ जैसे ही एक्स वाई जेड लिखेंगे, अब इसके पहले हमने कहीं भी एक्स वाई जेड की वैल्यू को एक्स वाई जेड, हमने एक्स और वाई लिया है लेकिन एक्स वाई जेड एक साथ नहीं लिखा, यानी ये नेमिंग है, ये एक ही वेरिएबल का नाम है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड एक ही वेरिएबल का नाम है, तो यहाँ पे इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा एरर आ जाएगा, यहाँ पे तुरंत लिखेगा एरर, ऐसे लिखेगा एरर है और यहाँ पे लिखेगा वेरिएबल नेम एरर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इसका वेरिएबल्स का एरर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ कैरेक्टर्स वेरिएबल्स के भी यूज किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसी तरह से मान लीजिए कुछ हमने लिखा नेम इज इक्वल टू अगर हम लोगों ने लिखा नेम इज इक्वल टू ऐसे इसी तरह से मान लीजिए हमने अपना नाम लिख दिया नेम इज इक्वल टू पीयूष। ठीक है, तो अब नेम इज इक्वल टू पीयूष लिखा, तो अब हम जब इसको प्रिंट कराएंगे नेम को जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज, यहाँ पे जो प्रिंट करेगा दैट इज पीयूष प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर इसमें अगर हम वो लिखते हैं, हम लिखेंगे नेम प्लस यहाँ पे लिख देते हैं एस आई आर, ऐसे ऐसे हमने लिखा सर लिखा। ठीक है, नेम प्लस सर, ऐसे सिंगल कोट्स में सम सर लिखा, इसका मतलब ये जब प्रिंट करेगा इसका जो रिजल्ट आएगा, सॉरी इसका जो रिजल्ट आएगा वो लिखा रहेगा ऐसे पी आई वाई यू एस एच और एस आई आर, इस तरह से लिखा रहेगा। तो यानी इस तरह से हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें और आगे बढ़ते चलें तो आगे जब हम देखेंगे यहीं पे देखेंगे कि अगर ये जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी वेरिएबल्स क्या हो गया, वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल्स आर, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें जो है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स रिप्रेजेंट लेबल स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन, जिसकी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। और ये वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरह के कंटेनर होते हैं, वो कंटेनर होते हैं
कोई ना कोई वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करते हैं, ये कोई ना कोई वैल्यूज को स्टोर करते हैं जो एक तरह के कंटेनर्स होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। तो जिसका हम यूज क्या करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम रन करता है तो उसको यूज करते हैं। अब देखिए एक चीज और है कि आपको बार बार समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लोकेशंस क्या है, ये क्या चीज होते हैं, ये क्यों बॉक्सेस बने हैं। अब देखिए, जैसे आप याद करिए कि कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे हमने बताया था कि कोई भी अगर हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है और कोई भी प्रोग्राम होता है, तो जब तक वो हमारे रैम में नहीं आता तब तक वो प्रोग्राम रन नहीं करता है। होता क्या है कि जब हम किसी आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो वो लोडिंग करता है। तो लोडिंग करने का मतलब क्या करता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से, यानी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से हमारे प्राइमरी मेमोरी में वो एप्लीकेशन आता है। यानी अगर हम जैसे गेम जब क्लिक करते हैं गेम के आइकॉन पे, तो होता क्या है कि एक सेकंड बाद या पांच सेकंड बाद गेम हमारा लोड हो जाता है, गेम खुलता है। इसका मतलब क्या है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से यानी हार्ड डिस्क से हमारे प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में वो प्रोसेस आता है, और जब तक कोई भी प्रोसेस रैम में नहीं आएगा तब तक वो रन नहीं करता है, ठीक है। बूटिंग में भी वही चीज होता है, जब हमारा सिस्टम ऑन हम करते हैं तो सबसे पहले विंडो 10 या विंडो XP लिखता है। इसका मतलब क्या है कि वो हार्ड डिस्क से हमारे रैम में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जब तक कोई भी चीज रैम में नहीं आएगा तब तक वो हमारा रन नहीं करता है। तो होता क्या है, मेमोरी आप फिर से अभी आप एक बार और देख लीजिए इसकी इंटरनल वर्किंग। होता क्या है कि जो भी रैम होता है, आप जानते हैं रैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रैम में हम लोग जानते हैं हमारे जो सिस्टम का रैम है वो कितना है, वो किसी का 2 GB होगा, किसी का 5 GB होगा, किसी का 6 GB होगा, किसी का 10 GB होगा, इस तरह से रैम में होता है। और रैम को जब मेमोरी का जब एलोकेशन करते हैं तो इस तरह से रैम का मतलब क्या, ये जो जीबी भी है, ये क्या चीजें हैं, ये सब इसमें पार्टीशंस ऐसे बने होते हैं, ऐसे पार्टीशंस बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टीशन बने, ठीक। अब होगा क्या इसमें, इसमें होगा क्या कि जो पार्टीशन में इस पार्टीशन में जो ऐसे पार्टीशन बने होते हैं। अब जैसे हमने मान लिया लिखा ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, बी इज इक्वल टू हमने लिखा 10, और सी इज इक्वल टू लिखा 30। तो होता क्या है कि ये अब इसमें ये पूरा मेमोरी ऐसे खाली नहीं रहता, कुछ पहले से जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड होता है तो इसी रैम में होता है, ऐसे कुछ मान लीजिए हम सॉन्ग चला रहे हैं तो वो यहाँ पे प्रोसेस होता रहेगा, कुछ प्रोसेस आपका ऐसे यहाँ होता रहेगा। तो इस तरह से ये सब प्रोसेस होते रहते हैं, ऐसे मेमोरीज भरी होती हैं, ऐसे ऐसे भरी रही होंगी, ठीक। अब ये रैम है, ये क्या चीज़ है, रैम, और इस मेमोरी का एड्रेस होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से पार्टीशन होता है। अब जब हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, तो इस a को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है पहले, तो a का बाइनरी क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी 101, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि एक ऐसे लोकेशन को एलोकेट कर दिया जाता है, एक लोकेशन को ऐसे ये एलोकेट हो गया, इस लोकेशन का जो नाम हो गया वो क्या हो गया, ई, और ये जो 3 है ये इसका एड्रेस हो गया, ये जो 3 लिखा हुआ हमने ये इसका क्या चीज़ है, एड्रेस, और ये ए जो है ये इस लोकेशन का नाम हो गया, यानी ये वेरिएबल का नाम हो गया, जिसको हम लोग वेरिएबल नेम बोल रहे हैं। तो यानी वेरिएबल नेम ए हो गया, वेरिएबल एड्रेस जो हो गया वो 3 हो गया, और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है, यानी इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो 5 हो रहा है, 5 का बाइनरी 101 है, यानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 101, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट जो है बी है, तो बी को 10 है, यानी 8 2 10, यानी 1010 इसका बाइनरी हो गया। यानी अब बी का है तो कोई जरूरी नहीं कि कंटिन्यू में हो सकता है, बी वाला लोकेशन हमारा यहाँ पे पड़े, यानी बी यहाँ पे स्टोर हो गया, और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1010, यानी ये जो दोनों लोकेशन है ये हमारा फुल हो चुका है, ये दोनों लोकेशंस फुल हो चुके हैं। इसी तरह से जो सी वाला है, मान लो हो सकता है सी वाला वेरिएबल सी यहाँ पे एलोकेट हो जाए, इस लोकेशन पे, यानी यहाँ पे एलोकेट हो गया सी वाला वेरिएबल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सी, और सी 30 है, तो इसका जो बाइनरी आएगा वो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे ये फुल हो गया। तो यही जो ये लोकेशंस होते हैं मेमोरी में, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स की वैल्यू, वेरिएबल हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रखता है, और वेरिएबल का एक नाम होता है, वेरिएबल का एक नाम होगा, वेरिएबल की वैल्यू होगी, और वेरिएबल का क्या होगा, एड्रेस होगा, हमेशा एड्रेस समझिए, ठीक है। तो एक तरह से लेबलिंग किया जाता है, उसके घर का नाम दे दिया जाता है, उस घर है, वो घर है, एक घर बना, उस घर का एक नाम दे दिया गया, उस घर में कोई कुछ लोग स्टोर होते हैं, क्या कौन कौन रह रहे हैं, वो वैल्यू हो गई, और उस घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है, यानी मकान नंबर होगा, हाउस नंबर होगा, या जो भी चीज़ होगा, लोकेशन होगा, उसको हम बोलते हैं एड्रेस। तो यानी वो सब हमारा क्या होता है, वो उस वेरिएबल का एड्रेस होता है।
तो इस तरह से आपको वेरिएबल्स के बारे में हमने बता दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल को उसमें जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए वेरिएबल्स जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो होगा क्या कि मेमोरी में एक बॉक्स बन जाएगा, ये हम लोग जान भी रहे हैं, और इस ये बॉक्स ए हो गया और इसका वैल्यू जो स्टोर हो गई वो 10 हो गई, और इसका कोई ना कोई क्या होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस होता है 100, मान लेते हैं 1, ये इसका एड्रेस हो गया। ठीक, अब यहीं पे क्या कर रहे हैं, ये हमने लिखा, अब यहां पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब बी इज इक्वल टू ए जब लिखेंगे तो होगा क्या, जब बी इज इक्वल टू ए लिखते हैं तो क्या होगा, जब बी इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो होगा क्या यहाँ पे कि एक बी नाम का एक वेरिएबल बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी नाम का जो वेरिएबल बनेगा इसमें भी जो वैल्यू स्टोर होगी वो कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 10 होगी, और लेकिन इसका और यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। यहाँ दिख रहा है आपको एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। इसका ऐसा क्यों, सेम क्यों होगा, सेम इसलिए होगा ये एक नया फीचर है पाइथन में, ये पाइथन में क्योंकि ये मेमोरी एफिशिएंट है और ये मेमोरी को क्या करता है, बचाता है। आप देखिए सेम क्यों हो गया एड्रेस, एड्रेस दोनों का सेम क्यों हो गया, एड्रेस दोनों का सेम इसलिए हो गया, ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों की कौन सी वैल्यू है, सेम है, सेम वैल्यूज है। ठीक है, इसलिए दोनों का जो वैल्यू सेम है इसका मतलब क्या हो गया, जो वैल्यू सेम होने के नाते इन दोनों का जो वैल्यू सेम हो गई तो इन दोनों का एड्रेस भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये क्या करता है, मेमोरी में अलग से कोई एड्रेस नहीं लेता है, क्योंकि इसके पहले जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जो देखा था, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 10 थी, सी की वैल्यू 30 थी, यानी तीनों जो अलग अलग लोकेशन पे तीनों वैल्यू अलग अलग थी इसलिए अलग अलग लोकेशन पे गया था। इसी तरह से यहाँ के केस में क्या है कि ए की वैल्यू तो 10 है और बी इज इक्वल टू ए है, यानी ए जो यानी जो बी की वैल्यू होगी वो ए की जो वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी, तो दोनों की वैल्यू तो सेम है इसलिए ये दोनों का एड्रेस भी क्या हो गया, सेम हो गया। यानी ये इसका मतलब क्या है कि ये इसी को पॉइंट कर रहा है, इनडायरेक्ट में वो ए को ही क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये ए को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि सी इज इक्वल टू ए, अब तो जब C इज इक्वल टू ए लिख दिया हमने तो इसका मतलब C भी एक बनेगा और इसका इसी भी बनेगा, इसमें भी जो वैल्यू होगी वो 10 होगी और इसका भी एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि ये C भी जो है किसको पॉइंट कर रहा है, A को पॉइंट कर रहा है, यानी इसका मतलब ये जो C है वो भी हमारे A को पॉइंट कर रहा है। ये नया फीचर है, ये जो है ये पाइथन में एक नया फीचर है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एफिशिएंसी, या मेमोरी को ये बढ़ाता है, ये मेमोरी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब देखिए ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल और ले रहे हैं, अब हमने मान लिया डी इज इक्वल टू 30 लिया, अब डी इज इक्वल टू 30 लिखा, तो जब डी इज इक्वल टू 30 लिखेंगे तो मेमोरी में फिर एक ब्लॉक बन गया, इसका नाम क्या हो गया, डी हो गया, और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो गई वो 30 हो गया, और इसका कोई ना कोई एड्रेस हो जाएगा, इसको 102 हमने बोल दिया, यहाँ पे 102 बोल दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ए बी सी का तीनों का तो एड्रेस सेम आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये डी आया और इसकी वैल्यू 30 थी और इसका एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब अगर हमने मान लीजिए लिखा यहाँ पे, अब हमने लिखा यहाँ पे, हमने डी को प्रिंट कराया, तो टी को जब हम प्रिंट करेंगे तो इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, 30 प्रिंट करेगा। अगर हम यहीं पे इसी तरह से अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे, ए को प्रिंट कराया तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। इसी तरह से अगर हमने बी को प्रिंट कराया तो बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। इसी तरह से अगर हमने सी को प्रिंट किया तो सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी, यानी ए बी सी, यानी ये 10 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे अगला स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं D इज इक्वल टू, फिर हमने लिख दिया A। अब जैसे ही D इज इक्वल टू A लिखेंगे इसका मतलब क्या हो गया, अब D जो A की वैल्यू होगी वो अब किसकी वैल्यू हो गई, D की, यानी यहाँ पे ये वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, यानी ये जो लोकेशन अब इसको पॉइंट कर रहा था अब यहाँ से ये हट करके किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। यानी जब हम D को प्रिंट कराएंगे, अगर मान लो हमने D को प्रिंट कराया यहाँ पे,
तो डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगा। और इसके पहले डी की वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी, क्योंकि हमने लिख दिया डी इज इक्वल टू ए, यानी डी की जो वैल्यू होगी अब वो इसको पॉइंट करने लगा, यानी ये जो लोकेशन है, ये जो वेरिएबल का लोकेशन है वो अब हमारा इस लोकेशन से क्या हो चुका है, हट चुका है, इस लोकेशन से हट गया है। इसका मतलब जब इस लोकेशन से हट गया तो ये गार्बेज हो गया, ये वैल्यूज क्या हो गई, गार्बेज हो गई। तो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट गार्बेज कलेक्शन का। यहीं पे जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्योंकि अब ये वेरिएबल से लिंक से हट गया, ये जो वैल्यू होगी इसका मतलब ये जो हमने बताया था यहाँ पे, आपको देखिए ये क्रॉस लगाया था ना यहाँ पे इस तरह से, यानी ये मेमोरी हमारा इसमें पड़ा रहेगा, वैल्यूज जो है इसमें कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, लेकिन इसका कोई लेवलिंग नहीं हुआ, इसका नाम कुछ नहीं है, ये इसी को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, ये हमारा गार्बेज कलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे ए इज इक्वल टू ये वैल्यू स्टोर था, बी की वैल्यू स्टोर थी, सी की स्टोर थी, लेकिन ये सब गार्बेज हमारा कलेक्शन है। और इस तरह से इस मतलब ये गार्बेज का कलेक्शन हो जाता है। तो ये हमारा मेन यही कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी का। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए जावा में एक नया फीचर है, नवजावा में नया फीचर ये है कि अगर वैल्यू हमारा सेम है, जो है अगर वैल्यू हमारा सेम है तो ये सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं या ये लेबल्स की तरह वर्क करते हैं, यानी इसी वेरिएबल का नाम, ये जो ए वाला लोकेशन हमारा बना है, ये जो भी ए का वेरिएबल, जैसे मान लीजिए ए का बन रहा है, ए हो गया और इसकी वैल्यू जो 10 थी, और इसी वेरिएबल का लेबलिंग हो जाएगा ए भी, बी भी, सी भी, और लास्ट में हमारा कौन सा वेरिएबल बन गया, डी भी बन गया, और इन सभी का एड्रेस जो होता है 1001 है, ठीक है। अब अगर एक नया फीचर इसमें जान लीजिए कि अगर हमको मान ली ये जो बार बार हम एड्रेस की जो बात कर रहे हैं, ये जो एड्रेस है ये से 101 101 101 है, अगर एड्रेस की बात कर रहे हैं तो अगर किसी भी वेरिएबल का हमको एड्रेस निकालना है तो हम एड्रेस कैसे निकालते हैं, देखिए एड्रेस निकालने के लिए की वर्ड यूज किया जाता है दैट इज आईडी, और आईडी और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, लिखिए ए, तो जैसे ही आईडी ए लिखेंगे तुरंत इसका जो एड्रेस आएगा वो आएगा 1001। इसी तरह से अगर आपने लिखा है आईडी बी, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1002 आ जाएगा। इसी तरह से एक आईडी हमने लिखा सी, तो आईडी सी जब लिखेंगे तो यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1003। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आईडीज का आप जिसका चाहें उसका जो है एड्रेस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी कीवर्ड, यानी 1004 आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो निकले हैं ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हैं एड्रेसेस हैं, ये सब हमारे क्या चीज़ हैं, एड्रेसेस हैं। तो ये यही है आज का ये जो वेरिएबल, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था वेरिएबल्स, हमने पूरा इसको वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप हमारे वीडियो को देख करके कॉपी पे लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा वेरिएबल्स के बारे में भी, और हमने बहुत अच्छे से आपको वेरिएबल्स बता दिया है। और फिर आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मार्वेलस डे आपको, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।